अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट 5 डिस्टेंस एंड टाइम को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एज डायरेक्टेड। पार्ट ए है 34 किलोमीटर इनटू मीटर, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए, थर्टी फोर किलोमीटर इंटू मीटर, तो आपने याद रखना है कि 1 किलोमीटर होता है इक्वल 1000 मीटर के, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर रहते हैं, 1000 मीटर। तो फिर इसको चेंज करते हैं, 34 किलोमीटर इक्वल 34 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ जाएगा 34,000 मीटर। मीटर में चेंज करना था तो हमने मीटर में चेंज कर दिया, तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी, 74 किलोमीटर 930 मीटर इनटू मीटर, तो इसको भी हमने मीटर में चेंज करना है। तो ये किलोमीटर में है और ये पहले ही मीटर में है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो लिखते हैं फिर 74 किलोमीटर 930 मीटर। 74 किलोमीटर प्लस 930 मीटर, 74 किलोमीटर है तो इसको 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 74 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 930 मीटर, ये भी मीटर में चेंज हो गया अब, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ जाएगा 74,000 प्लस 930 मीटर। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 74,930 मीटर, इन दोनों को ऐड कर दिए, तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट सी, 1970 मीटर इनटू किलोमीटर, तो मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के, तो इसको लिखते हैं फिर 1970 मीटर इक्वल 1000 मीटर लैदा कर देते हैं प्लस 970 मीटर इलादा कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा ना, 1000 को लैदा कर दिया, 970 को लैदा कर दिया। अब जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो अब इसको 1000 पे डिवाइड करना है,
मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो 1000 पे डिवाइड कर देते हैं ये वाला, तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अभी ये किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे, ये मीटर है ना, इसको किलोमीटर में लिखना है, इसको डिवाइड नहीं करना, ये वैसे ही लिखना है 970 मीटर। 1000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 किलोमीटर प्लस 970 मीटर। तो इसको हमने लिखना है 1 किलोमीटर 970 मीटर, तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी 5890 मीटर इनटू किलोमीटर एंड मीटर, इसको किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है 5890 मीटर को। तो लिख लें 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, 5890 मीटर इक्वल, 5000 को लहदा लिख लेंगे, 5000 मीटर प्लस 890 मीटर। तो ये 5000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 पे, क्योंकि जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 पे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये 1000 से छोटा है। 5000 डिवाइड 1000 किलोमीटर प्लस 890 मीटर, तो ये आ गया 5 किलोमीटर प्लस 890 मीटर। तो इसको लिखेंगे 5 किलोमीटर 890 मीटर। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई 67 मीटर इनटू सेंटीमीटर, मीटर को अब सेंटीमीटर में हमने चेंज करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये छोटा यूनिट है ना सेंटीमीटर, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में लाने के लिए डिवाइड करना होता है। 67 मीटर इक्वल 67 मल्टीप्लाई 100, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया 6700 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 650 मीटर 46 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 650 मीटर 46 सेंटीमीटर इक्वल, मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 650 मीटर प्लस
46 सेंटीमीटर, 650 × 100, तो मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो गया, यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस 46 सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसके साथ लग जाएंगे, 65,000 सेंटीमीटर प्लस 46 सेंटीमीटर, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 65,046 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी, 840 सेंटीमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है 100 पे, ये याद रखना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करना है। 840 सेंटीमीटर इक्वल 840 सेंटीमीटर। अब हमने इसको 100 पे डिवाइड करना है, 840/100, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 840/100, 100 का टेबल हमने 840 तक पढ़ना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 840 आ गया, सॉरी 800 आ गया, तो ये 40 आ गया सब्ट्रैक्ट करने से। अब ये 40 छोटा 100 से, तो डेसिमल लिखेंगे तो यही डेसिमल ऊपर चला गया, इसके बाद हम 0 लिख सकते हैं तो 0 नीचे भी आ गई, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 400 आ गया, तो ये आ गया 8.4 मीटर। तो ये हमने मीटर में चेंज करना था, तो ये मीटर में चेंज हो गया, तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट एच, 107 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 107 सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में चेंज करना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 107, तो ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया 1070 मिलीमीटर। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट आई, 99 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर के। सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, इसको हमने मिलीमीटर में चेंज करना है, 99 सेंटीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर, तो 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 से, तो ये मिलीमीटर में चेंज हो गया, तो ये आ गया 990 मिलीमीटर
प्लस 6 मिलीमीटर, इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 996 मिलीमीटर। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। पार्ट जे 70 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर के है। अब जब हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना है, 10 पे डिवाइड करना है। दस पे इसको डिवाइड कर दिया तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। 70 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट जे कंप्लीट हो गया। पार्ट के 485 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 485 मिलीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 485 मिलीमीटर, 480 को अलहदा कर देंगे, 480 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे 10 पे, 480 डिवाइड, यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ये 5 है ना छोटा 10 से, तो ये नहीं डिवाइड करेंगे, इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 48 आ गया, 48 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। तो इसको लिखेंगे हम 48 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज हो गया, तो ये पार्ट के कंप्लीट हो गया। पार्ट एल 900 मीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। 900 मीटर इक्वल 900 मल्टीप्लाई 100, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो ये आ गया 90,000। तो ये पार्ट एल कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, योम आज़ादी मनाने के लिए मदीहा बॉट 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ग्रीन कलर क्लॉथ टू स्टिच ग्रीन शर्ट। मदीहा ने 4 मीटर 35 सेंटीमीटर सब्ज रंग का कपड़ा ख़रीदा, जो कि उसने सब्ज रंग की शर्ट बनवानी थी। फर्स्ट शॉल एंड ट्राउज़र शी बॉट 6 मीटर 79 सेंटीमीटर वाइट कलर क्लॉथ। शॉल और शलवार बनाने के लिए उसने 6 मीटर 79 सेंटीमीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा खरीदा। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ क्लॉथ डिड शी बाई ऑल टूगेदर, उसने कुल कितने सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, यानी कि हमने आंसर को सेंटीमीटर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे,
सब्ज़ और सफ़ेद जो उसने कपड़ा ख़रीदा है। क्वेश्चन नंबर टू, टू फाइंड द टोटल सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। सेंटीमीटर्स ऑफ क्लॉथ, वी विल एड बोथ लेंथ एंड एंड कन्वर्ट इट इंटू सेंटीमीटर। सबसे पहले हम दोनों लेंथ्स को ऐड करेंगे, फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये है, लेंथ ऑफ शर्ट जो उसने सब शर्ट खरीदी, ग्रीन शर्ट, ग्रीन क्लॉथ, लिखेंगे ग्रीन क्लॉथ। ग्रीन क्लॉथ उसने कितना खरीदा है? 4 मीटर 35 सेंटीमीटर। वाइट क्लॉथ, वाइट क्लॉथ खरीदा उसने 6 मीटर 79 सेंटीमीटर। इनको हमने ऐड करना है, टोटल क्लॉथ। पहले इनको ऐड करते हैं, सेंटीमीटर को 5 और 9 14। 14 का 4 1 कैरी, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 का 1, ये बन जाएगा ना, ये देखें 35 और 79, 4 1 11, 114 सेंटीमीटर है ना, 114 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटीमीटर है इसको हमने मीटर में चेंज कर देना है, 100 से जितना भी ऊपर सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 14, 100 सेंटीमीटर जो है हमने चेंज करना सीखा भी है। 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर के नीचे लिख देंगे और 1 मीटर को आगे ऐड कर लेंगे। 14 सेंटीमीटर आ गया, 1 को आगे ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 मीटर आ गया, 11 मीटर 14 सेंटीमीटर क्लॉथ आ गया टोटल जो था। अब इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। उसने पूछा है कि टोटल कितना होगा सेंटीमीटर में, इसको अब सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, 11 मीटर 14 सेंटीमीटर, 11 मीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 100, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, प्लस 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1100 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1114 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अहमद बॉट
140 सेंटीमीटर रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स। अहमद ने तोहफे का डब्बा पैक करने के लिए 140 सेंटीमीटर रिबन ख़रीदा। हाउ मैनी मिलीमीटर रिबन ही बॉट, उसने कितने मिलीमीटर रिबन ख़रीदा। तो ये जो सेंटीमीटर है इसको हमने मिलीमीटर में चेंज करना है। उसने पूछा है कि ये कितने मिलीमीटर उसने रिबन ख़रीदा है। उसने सेंटीमीटर में ख़रीदा तो हमने मिलीमीटर में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, टू फाइंड द लेंथ ऑफ रिबन इन मिलीमीटर वी विल मल्टीप्लाई वन हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर बाय 10 वन सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 10 से। 140 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1400 मिलीमीटर। तो ये हमने इसको मिलीमीटर में चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द टू रोप्स आर 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। दो रस्सियों की लंबाई बिलतरतीब क्या है? 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रोप्स। तो हमने डिफरेंस फाइंड करना है दोनों रस्सियों के दरमियान। पार्ट बी में, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स इन मिलीमीटर। तो हमने दोनों रस्सियों को ऐड करना है, तो हमने ऐड करना है फिर इसको मिलीमीटर में चेंज कर देना है। दोनों रस्सियों को पहले ऐड करना है, इस लेंथ को और इस लेंथ को पहले ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको मिलीमीटर में चेंज कर देना है। तो ये पार्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ टू रोप्स वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ लेंथ्स डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप, फर्स्ट रोप कितनी है, लेंथ है 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। सेकंड रोप, सेवनटीन सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। इसको हमने सेपरेट करना है, डिफरेंस सिक्स में से 9 को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए 1 इधर से लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर जब मिलीमीटर में आएगा तो क्या होगा, पहले इसको हम रफ में सब्ट्रैक्ट करते हैं। 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर,
17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। 6 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 इधर से लेंगे। सेंटीमीटर जब मिलीमीटर में आएगा 1, तो ये बन जाएगा 10, 10 आएगा इधर, 10 और 6 16, 16 माइनस 9, तो ये क्या बनेगा फिर 7, 7 मिलीमीटर आएगा। इधर बच गया 79, 79 माइनस 17, 9 माइनस 7 क्या आएगा 2, 7 माइनस 1 तो ये आएगा 6, 62 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, तो ये हम लिखेंगे 62 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, तो हम लिखेंगे 100। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रॉड्स इज 62 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। तो ये डिफरेंस है, तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी, उसने पूछा व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स इन मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ पहले फाइंड करनी है, फिर उसको मिलीमीटर में चेंज कर देना है। लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप एट्टी सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड रोप 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। इसको हमने ऐड करना है, टोटल लेंथ इसको रफ में ऐड कर लेते हैं, 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। 6 प्लस 9 तो ये आ गया 15 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के, तो ये तो 15 मिलीमीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 15 मिलीमीटर को ऐसे। दस मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, ये जो 10 मिलीमीटर है ये हो गया 1 सेंटीमीटर के इक्वल 5 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ये जो 5 मिलीमीटर है ये आ गया मिलीमीटर की जगह पे 5 मिलीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर है ये आगे हम ले जाएंगे इसको इसमें ऐड करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये 1 इधर आ गया। तो 80 प्लस 1 तो ये आ गया 81, 81 और 17 ऐड कर लेंगे, 81 और 17 8 9 तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर होगा, 98 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो ये इसको ऐड करने से आ गया, सो टोटल लेंथ ऑफ रोप इज 98 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर।
अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 98 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 98 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, तो ये आ गया 980 मिलीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 5 मिलीमीटर, इनको ऐड कर देंगे 985 मिलीमीटर। 10 द टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स इज इन मिलीमीटर, इज 985 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ हॉस्पिटल टू हॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर पेशेंट्स वेयर मेडिकल एड विल बी गिव टू देम। द लेंथ ऑफ वन हॉल इज 276 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द अदर हॉल इज 689 मीटर 98 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हॉस्पिटल बनाया गया है, उसमें दो हॉल्स हैं। एक हॉल की ये लंबाई है 276 मीटर 20 सेंटीमीटर और दूसरे हॉल की लंबाई है 689 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर। दो हॉल्स बनाए गए हैं तो दोनों लंबाइयां दी गई हैं। एक अस्पताल में दो हॉल बनाए गए हैं तो उनकी लेंथ्स दी गई हैं, इनको हमने ऐड करना है। उसने पूछा कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स, दोनों हॉल्स की लेंथ क्या है, तो इनको ऐड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड द टोटल लेंथ of both halls we will add both lengths length of one hall टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स मीटर 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सेकेंड हॉल सिक्स हंड्रेड एट्टी नाइन मीटर 98 सेंटीमीटर को ऐड करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। इसको ऐड करते हैं फिर 276 मीटर 20 सेंटीमीटर 689 मीटर 98 सेंटीमीटर तो ये कितने सेंटीमीटर होता है 8 9 और 2 11 118 सेंटीमीटर 118 118 100 प्लस 18 100 जो है वो तो एक मीटर में चेंज हो गया,
1 मीटर 18 सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, 1 आगे चला गया, 1 इधर हम ऐड कर देंगे। 1 प्लस 6 7, 7 और 9 16, 16 का 6 1 कैरी, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 का 6 1 कैरी, 2 और 6 8, 8 और 1 9। तो ये आ गया 966 मीटर, 18 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया 966 मीटर, 18 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ है दोनों हॉल्स की। सो द टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स इज 966 मीटर, 18 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन अहमद हाउस टू मस्जिद इज 4 किलोमीटर, 196 मीटर। अहमद के घर और मस्जिद का दरमियानी फासला कितना है? 4 किलोमीटर, 196 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन अलीज हाउस टू मस्जिद इज 5 किलोमीटर, 298 मीटर। अली के घर और मस्जिद का दरमियानी फासला है 5 किलोमीटर, 298 मीटर। हूज हाउस इज नियर टू द मस्जिद एंड बाय हाउ मच? किसका घर मस्जिद से ज़्यादा नज़दीक है और कितना है? तो ये हमने फाइंड करना है, ज़्यादा करीब है मस्जिद से, तो ये हम पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टू फाइंड हूज हाउस इज नियर टू मस्जिद we will find the difference of both distances. Ali's house to masjid कितना है? 5 किलोमीटर, 298 मीटर। अहमद हाउस टू मस्जिद ये है 4 किलोमीटर, 196 मीटर। तो ये हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 6, तो ये आ गया 2, 9 माइनस 9, 0, 2 माइनस 1, 1, 102 मीटर, 5 माइनस 4, 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर, 102 मीटर है डिफरेंस इनका, मस्जिद से जो एक दूसरे के घर से इनका डिफरेंस है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन अहमद हाउस टू मस्जिद इज़ लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द अलीज हाउस टू मस्जिद, सो अहमद हाउस इज़ 1 किलोमीटर नियर टू मस्जिद। अहमद का हाउस क्या है? 1 किलोमीटर, 102 मीटर ज़्यादा नज़दीक है अली के हाउस से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस द डिस्टेंस
between Ahmed's house to Masjid is less than अहमद का हाउस जो है वो ज़्यादा नज़दीक है अली के घर से, जो कि मस्जिद का दरमियानी फासला है। सो अहमद हाउस इज 1 किलोमीटर 102 मीटर नीरियर टू मस्जिद। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द पार्क नियर विलीज हाउस इज 2 किलोमीटर 117 मीटर लॉन्ग। विलीज के हाउस के करीब जो पार्क है वो है 2 किलोमीटर 117 मीटर, एंड द पार्क नियर मीन्स हाउस इज 3 किलोमीटर 214 मीटर लॉन्ग। और जो महीन के घर के पास है वो है 3 किलोमीटर 214 मीटर लॉन्ग पार्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू पार्क्स इन मीटर्स। तो हमने डिफरेंस फाइंड करना है दोनों का, मीटर्स में डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। लेंथ ऑफ पार्क नियर मीन्स हाउस 3 किलोमीटर है ना। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ पार्क नियर मीन्स हाउस। थ्री किलोमीटर 214 मीटर लेंथ ऑफ पार्क नियर वलीज हाउस। टू किलोमीटर 117 मीटर डिफरेंस इसने डिफरेंस ही कहा था, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने। 214 माइनस 117 मीटर, तो क्या करेंगे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 97 मीटर। 3 माइनस 2 1, 1 किलोमीटर 97 मीटर इनका डिफरेंस आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। सो द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ of two parks is 1 किलोमीटर 97 मीटर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, ये जो डिफरेंस है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर 97 मीटर
किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर प्लस 97 मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 1000, तो ये मीटर में चेंज हो गया, प्लस 97 मीटर। 1000 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 ही आ गया, 1000 मीटर प्लस 97 मीटर, तो ये आ गया 1097 मीटर। तो ये डिफरेंस है मीटर में, 1 किलोमीटर को हमने 1 किलोमीटर 97 मीटर को हमने मीटर में चेंज किया, तो ये आ गया 1097 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।